दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः भगवा खिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पूरी तरीके से रुझान साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी रिवर्स कर रही है उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को नकारते हुए। हम बात कर रहे हैं ललितपुर की। ललितपुर में सदर सीट 8वें राउंड तक की जो स्थिति है वो हम आपको बताना चाहते हैं। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है राम रतन कुशवाहा, जिन्हें अभी तक 36,859 वोट 8वें राउंड तक मिले हैं। दूसरे नंबर पर चल रही है साइकिल 13,337 रमेश कुशवाहा। और इसके साथ जो भारतीय जनता ये कहेंगे जो बीएसपी है, बीएसपी की स्थिति ये है कि 10,896 वोट उन्हें 8वें राउंड तक मिले हैं। और कांग्रेस की अगर स्थिति की बात करते हैं बलवंत सिंह की, तो 644 वोट कांग्रेस के लिए अभी तक मिले हैं। टोटल वोटिंग 8 राउंड तक की जो गिनती हुई है वो ये 65,342 वोटों की। इसके साथ साथ आपको बताते हैं एक बड़ा दिलचस्प चीज़ कि कांग्रेस को जो वोट मिले हैं 644, उससे अधिक 8वें राउंड तक नोटा दबा दिया गया है। नोटा के जो वोटिंग हुई है नोटा में वो ये 904। तो जय ललितपुर का 8वें राउंड तक की अपडेट है, 904 नोटा में गए हैं, कांग्रेस में 644 गए हैं। एक पार्टी है जो प्रचार में आती है, चुनावी तैयारियां करती है, उसके बाद स्थिति क्या बनती है कांग्रेस की। पहले पे बीजेपी, दूसरे पे साइकिल और तीसरे पर बीएसपी, रामरतन, रमेश कुशवाहा, गुड्डू राजा, यह स्थिति है इस समय की। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।